हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ए बी सी डी ऑफ यूपीएससी एंड आफ्टर लॉन्ग ब्रेक मैं फिर से यूट्यूब पे आया वीडियो बनाने के लिए सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम क्योंकि एग्जाम्स सामने हैं तो लेट्स कम टू द पॉइंट राइट ओके सो दिस वीडियो इज़ अबाउट अ लॉन्चिंग इकोनॉमिक मॉड्यूल ओके मैं एक मॉड्यूल लॉन्च कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए एंड वन मिनट सी so what will you get in this video okay let's let's uh, uh, first thing first okay let's complete the economics together okay and these 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 lectures or this module will be prelims oriented only if my okay you will get your complete syllabus done okay and is done and i will show you or i will teach you or let's say we will discuss how to tackle pyqs uh, how to tackle mcq in exam hall mainly related to PY, uh, mainly related to इकोनॉमिक्स ओके ओके एंड मेजर थिंग नो फीस नो एप ज्वाइनिंग जो भी मिलेगा यूट्यूब पर मिलेगा आई विल ट्राई टू प्रोवाइड टू टू थ्री लेक्स इन अल फोर एट मैथ मुझे खुद का भी पढ़ना है एंड सेपरेट लेक्चर फॉर करंट अफेयर सॉरी लेट कट दिस पॉइंट ओके लेट कट दिस पॉइंट नो सेट लेक्चर ओके सॉरी सो एंड पीडीएफ एंड डाउट ओके सो जो भी पीडीएफ होंगे आई विल

दो दिन बाद ठीक है ना सो so, इस वीडियो में क्या होगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा ये प्रिलिम्स ओरिएंटेड होगा ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका मैं फिर से बताता हूँ प्रिलिम्स ओरिएंटेड लेक्चर जैसे अभी बोर्ड चल रहा है सेम सिमिलर इसी मैनर में चलेगा हम पढ़ेंगे कैसे हाँ प्रिलिम्स के लिए ठीक है ना यहाँ से शुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी फंडामेंटल्स है इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का जो भी फंडामेंटल है जैसे जीडीपी क्या होता है जीएनपी क्या होता है एनडीपी क्या होता है एनएनपी क्या होता है विद स्टोरीज हाँ कि जैसे आपको याद रह जाए सब कुछ ठीक है ना इसके अलावा भी कुछ पॉइंट जैसे फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है फैक्टर कॉस्ट है ना वैल्यू uh, एडिशन क्या होता है इन सब पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और एवरी ईयर क्वेश्चन इन सब से पूछे जाते हैं ठीक है ना इतना हम पढ़ेंगे पहले एंड इन्हीं चीजों में कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं जैसे कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है या आउटपुट रेशियो क्या होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होता है ये हम पहले जानेंगे हाँ विद ए स्टोरी ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए शायद जीडीपी से ना भी शुरू हो पहले हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे फिर टर्शरी uh, सेक्टर क्या होता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है इकोनॉमिक्स कैसे चलती है इंडिया की इकोनॉमिक्स क्या है मिक्सड है सोशलिस्ट है सोशलिस्ट अगर हमने जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था कि इंडिया का सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स बनाने का फिर उन्होंने क्यों नहीं बनाया सोशलिस्ट मॉडल क्यों फॉलो नहीं किया ओके वाई वी आर मिक्सड इकोनॉमी है उसकी पूरी स्टोरी विद शॉर्ट जैसे कि आपको दिमाग में रहे कि हाँ ये स्टोरी है बट फैक्ट ज्यादा याद रहे कि एग्जाम में क्या आपको टिक करके आना है, right? राइट तो ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद द द मेजर सबसे सबसे वाला पार, बैंकिंग वाला पार्ट, पार्ट, बैंकिंग 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 एंड एंड मनी। मनी क्या क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, है, है है? ठीक फादर ऑफ ऑल बैंक्स, आरबीआई के बारे में, ये शेयर मार्केट ओके शेयर मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो भी आपका थियोरिटिकल इंपॉर्टेंट है आपको पैसा किस में लगाना या नहीं लगाना वो मैं नहीं सिखाऊंगा ठीक है ना तो शेयर मार्केट में कैपिटल मार्केट क्या होता है मनी मार्केट क्या होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ओके okay, ये वाला करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे जब ये वाले पार्ट ये वाले पार्ट और बहुत कम पूरा मिलाकर लेट सपोज पंद्रह से बीस लेक्चर में खत्म करते हैं है ना जैसे कि हमें बाकी टाइम भी मिले दूसरे के लिए पंद्रह से बीस लेक्चर खत्म करते हैं इसको इकोनॉमिक्स मनी बैंकिंग हो गया देन उसके बाद इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे फोरेक्स के बारे में पढ़ लेंगे मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट में बहुत ज्यादा था फोरेक्स रिजर्व के बारे में ठीक है ना क्या होता है ठीक है उसका मॉनिटरी मॉनिटरी पॉलिसी तो यहाँ पे पढ़ लेंगे मॉनिटरी पॉलिसी ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी यहाँ पे पढ़ लेंगे फोरेक्स के बारे में पढ़ लेंगे एक्सचेंज रेट्स के बारे में पढ़ लेंगे एक्सचेंज कैसे काम करता है एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में ये पढ़ेंगे ठीक है ना उसके बाद मुझे लगता है एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इट्स नॉट अबाउट जोग्राफी वाला एग्रीकल्चर नहीं पढ़ेंगे कि राबी क्रॉप खरीफ क्रॉप वो सब नहीं पढ़ेंगे ठीक है ना यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सेंस में कैसे काम करता है ठीक है ना इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है काइंड ऑफ सब्सिडीज वगैरह ठीक है ना वो कम्प्लीट करेंगे इसके बीच में एक और पॉइंट डाल दो ठीक है ना सॉरी इसके बीच में एक और पॉइंट डाल दो बजट पढ़ेंगे थोड़ा सा पॉलिटी का बजट पॉलिटिकली एंड थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जितना एग्जाम के लिए जरूरत है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं है ना वो सब पढ़ेंगे एंड इसको कंप्लीट करेंगे सॉरी ये सारा जब हो जाएगा ना तो मैंने यहां पे लिखा था ना सेपरेट वीडियोस फॉर सेपरेट लेक्चर फॉर करंट अफेयर नहीं करूंगा टाइम वेस्ट होगा ओके हम क्या करेंगे जब हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ रहे होंगे सो

है ना अब ये डिजिटल करेंसी टोटली डिफरेंट चीज है और ई रूपी टोटली डिफरेंट चीज है, है ना तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे डिजिटल करेंसी टू थाउंड ट्वेंटी फोर में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन चौबीस में आया था चलो चौबीस में आया था वो क्वेश्चन ओके ये कर लेंगे एंड इन सभी में करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर देना सी ए सी ए जिसमें सी ए है पढ़ लेंगे ठीक है एंड लास्ट में जब ये सारा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट वन मिनट सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये वाला पोर्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक है ना एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है सब्सिडी वाला पोर्शन अगर ये सब हो जाएगा उसके बाद अगर समय मिला तो कुछ और चीजें जो कि प्रिम्स में हम क्या बोल सकते हैं वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वैल्यू एडिशन वो हम डालेंगे है ना अब ठीक है ये तो हो गया अब आपको क्या करना है अब चलो रैंडमली कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स लेते हैं ठीक है ना रैंडमली बोल रहा हूँ ना मैं शुरुआत से नहीं पढ़ा रहा है मैंने तो बता दिया आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा वन टू थ्री करके है ना रैंडमली कुछ लेते हैं जैसे आप सो so, अगर आपने थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है और यू आर आर सीरियस एसमेंट यू नो यू यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म्स ओके वो टर्म्स क्या है लेट मी शो यू ठीक है लेट मी लेट मी राइट लेट मी राइट फर्स्ट ओके सी लाइक कमर्शियल पेपर कभी ना कभी यूपीएससी के पेपर में आया होगा कमर्शियल पेपर ये रैंडम टर्म्स बता रहा हूँ ठीक है मैं पढ़ाऊंगा कैसे मैं वो आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है इससे लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया सीओ डी ओके ये टर्म आप करना दो तीन साल के क्वेश्चन पेपर हर जगह मिलेगा जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए जीरो कूपन बॉन्ड्स ठीक है ना तो दीज आर द टर्म्स अब आपको कैसे पढ़ना है और मैं कैसे पढ़ाऊंगा ठीक है लेट्स 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 टेक कॉल मनी वाला पोर्शन लेट्स टेक कॉल मनी वाला पोर्शन कॉल मनी वाला पोर्शन है ना आपको भी मेरे साथ ऐसे कॉल में नहीं लिखना है ठीक है ना अभी नहीं लिखना जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा मतलब जब लेक्चर शुरू आएंगे लेक्चर आना शुरू होंगे यूट्यूब पर तब आपको लिखना ऐसे कॉल में नहीं लिखना है ना आप इसको शॉर्ट में जितना पहली बात तो जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाना और शॉर्ट नोट्स ये सोच के बनाना कि आपको फिल्म्स में क्या जरूरत पड़ेगी फिल्म के टाइम में आप कैसे रिवाइज कर पाए ये सोच के शॉर्ट नोट्स बनाना ओके शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त ये दिमाग में मत लगाना कि पूरी बुक छापनी है सुपर नोट्स बनाने हैं या फिर मेरे नोट जब मैं टॉपर बन जाऊंगा तो मेरे नोट ओवर एंड में बिक रहे होंगे किसी दुकान पर इतना नहीं सोचना भाई सिर्फ शॉर्ट नोट बनाने आप शॉर्ट नोट कैसे कॉल मनी वाला पोर्शन हो गया ठीक है ना यूपीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है ठीक है तो आपको क्या करना है मेरे साथ साथ ऐसे करके लिखना है ठीक है ना हो सके तो वीडियो पॉज करके लिखना नॉट नाउ बट जब लेक्चर आएंगे तब ठीक है ना सो कॉल मनी मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको ठीक है सी दिस सपोज दिस टैग लाइन ठीक है ना ये मान लो वन डे ये मान लो फोर्टीन डेज और ये वाला मान लो मोर देन फोर्टीन डेज ठीक है ना सो द मनी है ना जो भी मनी मनी लैंड फॉर वन डे मैं बाकी चीजें बता रहा हूं मनी लैंड फॉर वन इज कॉल्ड कॉल मनी है ना मनी लैंड फॉर मोर देन वन डे यानी यहां से लेकर यहां तक यानी वन डे टू फोर्टीन डेज वन डे टू फोर्टीन डेज इस वाले को हम लोगों ने एक और नाम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिस मनी नोटिस मनी है ना एंड मोर देन फोर्टीन डेज अगर मनी लेंड फॉर वन डे इज कॉल्ड कॉल मनी मनी लेंड फॉर वन टू फोर्टीन डेज इज कॉल्ड नोटिस मनी एंड मनी लेंड फॉर मोर देन फोर्टीन डेज और फिफ्टीन डेज इज कॉल्ड टर्म मनी अब ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ मनी मार्केट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अब उसके लिए मनी मार्केट समझना पड़ेगा ऐसा समझो जो भी शॉर्ट टर्म का होता है अगर शॉर्ट हो ये आपको ऐसे रनिंग नोट बनाते जाने ठीक है ना शॉर्ट टर्म के लिए उसको मनी मार्केट बोलते हैं जो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं कैपिटल मार्केट है ना मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं ठीक है कैपिटल मार्केट अब मुझे बताओ अगर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये वन डे के लिए तो शॉर्ट हुआ ना इट्स मनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये भी वन डे के लिए था शॉर्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मोर देन इसकी भी सीलिंग होती है ठीक है ना तो दीज आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना अब अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा आप सोचे की ये सब जो रेट्स है ये कॉल मनी नोटिस मनी टर्म मनी है ना दीज आर द लेंडिंग रेट्स राइट तो ये लेंड करता कौन है है ना इसके लिए हम फिर पहुंचेंगे मनी मार्केट में मनी मार्केट मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है ना लेंडिंग होती है अब मनी मार्केट में क्या मान लो कि फादर ऑफ फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक आरबीआई प्रेजेंट है और एक और बैंक प्रेजेंट है इसको मिल गया एक सुरुपिया? मिला एक रुपया लेकिन इसकी भूख अभी मिटी नहीं एसबीआई की भूख अभी मिटी नहीं इसको और भी पैसा चाहिए अब आरबीआई के पास दोबारा जाएगा आरबीआई बोलेगा ना बेटा ना और पैसा तो नहीं है अब तुम खुद का कमाओ खुद का खाओ ठीक है ना एस बी आई क्या करेगा एसबीआई मनी मार्केट में जाएगा ठीक है ना ऑलरेडी आरबीआई का एक रेट है अपना और जब एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है ना ये आरबीआई को सीख करते है। RBI भी करता है जिसको में में बोलते हैं आरबीआई फिर मार्जिनलिटी पांच परसेंट है नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ ये पांच परसेंट पे दे रहा है छह परसेंट पे दे रहा है देखो पांच और छे के बीच में अभी भी एक पोर्शन है ठीक है ना वन परसेंट का गैप है इस वन परसेंट को हम लोग बोलते हैं कॉरिडोर है ना अब इस कॉरिडोर के रेट पर क्या होगा ये लोग मनी मार्केट में जाएंगे मनी मार्केट में एल भी बैठा हुआ है मनी मार्केट में और भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए है ना सम डीलर्स uh, है जिसको हम पीडी बोलते हैं प्राइमरी डीलर्स बोलते हैं एंड अदर बैंक्स भी है अभी ये बोलेगा भैया ये इनके भाई बहन है ना तो एस बोलेगा भैया आरबीआई ने तो दिया नहीं पैसा आप में से कुछ दे दो अब ये बोलेगा तेरे को पैसा है?

those who are permitted by RBI क्योंकि RBI is the father and mother of all banks and all these things okay so this is a अब आपको क्या करना है आपको इतना समझ में आया है ना ये मैं रैंडमली एक चीज समझा रहा था बस आपको ठीक है ना तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है जैसे मैंने ये नोट बनाया ऐसे थोड़ा अच्छे से बनाना इतना बुरा मत बनाना वन फोर्टीन लिख देना यहाँ पे कॉल मनी लिख देना पे नोटिस मनी या टर्म मनी अब जब आप नेक्स्ट टाइम अपना अपना नोट देखोगे ना तब आपको क्या लगेगा अरे अच्छा वन डे मतलब ये मनी ये मनी ये मनी अब जब भी क्वेश्चन में आएगा शॉर्ट मतलब ये तो शॉर्ट है सारे ये मनी मार्केट में आ गए ये लॉन्ग वाला ये कैपिटल मार्केट में आ गया है ना रेगुलेट कौन कर ये रेगुलेट करे इसमें होता है एक्चुअली ये है ना अब ये सारी चीजें आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगी क्योंकि दीज आर द टर्म्स दीज आर द दर्म दीज आर द टर्म्स है ना आज पी वाई क्यू सो मेरा कहने का ये मतलब था मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एग्जाम में आने वाली होंगी या आएंगी है ना कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना के लिए ही पढ़ना है मीनस का कुछ भी नहीं मिलेगा अगर दे रहे हो आप इस बार टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में तो उसके लिए मिलेगा एंड लास्ट थिंग ओके मैं पहले भी आपको बोल रहा था मैनिफेस्ट कर लो टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव फोरना है चलो बहुत दिनों से आप लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया होगा है ना अब मैनिफेस्ट करना बंद कर दो अब एक्शन का टाइम आ गया एक्शन अब एक्शन करो वो जो मैनिफेस्टेशन आपने किया था ना अब उसके ऊपर करो एक्शन कि अब 2025 क्वालिफाई करना है फिल्म की बात कर रहा हूँ ठीक है बात की बात में सोचेंगे पहले जो सामने गोल है उस गोल को पहले अचीव करना है सो इट्स ओवर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग किसी का कोई भी फीडबैक रहे प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स ओके माय कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन लोकतंत्र है जिसको जो भी बोलना है कमेंट बॉक्स पे आगे बोल सकते हो थैंक यू थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत दोस्तों